नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, IPL 2020 के 21 मैच कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर KKR के खिलाफ CSK गुहार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, CSK के खेमे के लिए काफ़ी अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि मैच पकड़ में था। बावजूद इसके CSK के हाथों से मैच फिसला, और क्रेडिट देना होगा KKR के गेंदबाजों को, जिन्होंने लगातार विकेट चटकाई और CSK को मैच से और प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर किया। और दोस्तों, CSK को ही नहीं, चार टीम्स के प्लेऑफ में जाने के रास्ते में अब रोड़ा डाल दिया है KKR ने इस जीत के साथ में। तो बात करेंगे इस वीडियो में इसी बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि CSK टीम के 6 मैच हो चुके हैं, जिसमें से उन्होंने 2 जीते हैं और 4 में उनको हार मिली है। और दोस्तों, किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, और CSK के खाते में अभी केवल 4 अंक हैं। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो अभी उनके 8 मैच बचे हैं, और उन 8 में से कम 6 मैच जीतने ही होंगे। और दोस्तों, जिस तरह का फॉर्म CSK के टीम का रहा है, उसको देखते हुए बहुत मुश्किल होने वाला है CSK के लिए क्वालिफिकेशंस। अमूमन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है कि IPL की इतनी सफल टीम की इतनी ख़राब शुरुआत हो, लेकिन अभी भी CSK क्वालिफाई कर सकती है अगर वो 8 में से 6 मैच जीत जाए। वहीं पर दोस्तों, इसके अलावा SRH, किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की टीम के 9 मैच बचे हुए हैं, जिसमें से पंजाब को 7 में जीत दर्ज करनी है, तो वहीं SRH और राजस्थान को 6 में जीत दर्ज करनी है। इसके लिए काफ़ी दोस्तों मशक्कत करनी पड़ेगी इन सभी टीमों को, क्योंकि दोस्तों 9 में से 6 या 7 मैच जीतना बहुत ही बड़ा काम होता है। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो यहां से एक आध मैच भी अगर ये टीम्स हारती हैं, तो फिर इनके क्वालिफाई करने की जो आस है वो यहां पर डूबती हुई नज़र आएगी। वहीं पर दोस्तों, SRH की तरफ भी काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं, जहां पर भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड होकर बाहर हो गए हैं। इसके अलावा ओपनर फॉर्म में नहीं है, और मिडल ऑर्डर की भी समस्या है, तो SRH के लिए भी इस साल काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं पर किंग्स इलेवन पंजाब की टीम 4 मैच हार चुकी है, और उनको ज़रूरत है मोमेंटम की, और उनका आज SRH के साथ में मैच होगा, जहाँ पर किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को 9 में से 7 मैच जीतने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। और दोस्तों, ये काम काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन कल के मैच के लिए इनके पास अच्छा मौका है SRH के खिलाफ जीत दर्ज करने का। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो RCB की टीम टॉप 4 में बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि अभी RCB की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन है नंबर 4, और दोस्तों कल के मैच में अगर SRH जीती तो RCB नंबर 5 पर आ जाएगी, और अगर SRH हारी तो RCB नंबर 4 पर ही बनी रहेगी। तो कल के मैच पर RCB की टॉप 4 पोजीशन जो है वो काफ़ी हद तक निर्भर करती है। वहीं पर दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम भी लगातार 3 मैच हार चुकी है, और उनको भी 9 में से 6 जीतने ज़रूरी हैं, जहां पर इनकी शुरुआत शानदार हुई थी, लगातार 2 मैच जीते थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों लगातार इन्होंने 3 मैच हारे हैं और ये टीम लड़खड़ा गई है। और दोस्तों, बात करें टॉप 4 की, तो टॉप 4 की जो कि सेफ फील करेंगे तो वो हैं दोस्तों मुंबई इंडियंस एट द टॉप 8 अंकों के साथ, साथ में दिल्ली कैपिटल्स नंबर 2 पर 8 अंकों के साथ, इसके बाद KKR नंबर 3 पर 6 अंकों के साथ, और RCB नंबर 4 पर 6 अंकों के साथ। जहां पर दोस्तों हम मान सकते हैं कि मुंबई और दिल्ली, ये 2 टीम्स अब तक जिस तरह के खेल दिखाया है इन्होंने और जिस तरह का इनका टीम लाइनअप है, तो ये टीम डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगी, और बाकी के 2 स्पॉट के लिए यहां पर 6 टीमों में लड़ाई होगी, और KKR और RCB इन 2 टीम के लिए राह जो है वो आसान होगी, क्योंकि इनको 9 में से केवल 5 मैच जीतने हैं। तो ये टीम्स अपने आप को बैक करेंगी, जहां पर RCB का अगला मैच 10 अक्टूबर को होगा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में दुबई में। और दोस्तों, उस मैच में अगर RCB जीत जाती है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहली बार प्लेऑफ की रेस से इतना जल्दी बाहर होने की कगार पर होगी। लेकिन दोस्तों, ये IPL है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अद्भुत होता रहता है, तो यहाँ पर आने वाले दो वीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और यहाँ पर प्लेऑफ के समीकरण काफ़ी ज़्यादा बदलने वाले हैं। तो RCB और KKR, इनको 4 हार तक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये टीम्स अपने आप को बैक करेंगी। वहीं पर दोस्तों, RCB का अगला मैच होगा KKR के साथ में, यानी कि अगला मैच चेन्नई के साथ में होगा, और उसके बाद जो अगला मैच होगा वो KKR के साथ में होगा, और दोस्तों वो भी शारजा के मैदान पर, और ये मैच मंडे को होगा। यानी कि बैक टू बैक RCB के 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, जिसमें लगातार अगर जीत जाती है RCB तो प्लेऑफ के और ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगी।
तो दोस्तों आई होप आपको प्लेऑफ का सारा समीकरण समझ आ गया होगा। हम आपको डेली ऐसे ही जो भी बदलाव इस समीकरण में आते हैं वो बताएंगे, लेकिन उसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें। धन्यवाद।